वेलकम टू द चैनल दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हरियाली कबाब की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, बहुत सारी सब्जियों से बना हुआ है। तो आज का वीडियो कहीं पर भी पसंद आ जाए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पालक को थोड़ा सा, जो स्पिनिच होता है उसको ब्लांच कर लेंगे। तो ये मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, उसमें मैं डाल रही हूँ यह है 3 कप पालक, जो कि बेबी स्पिनिच है, इसका डंडी हटा हुआ है सारा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप ये हरा मटर, जो कि फ्रोजन वाला मटर है। तो वह पानी में इसे हम लोग डालकर और 2 मिनट के लिए बस छोड़ देंगे, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ब्लांच हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसे पहले मिक्स कर दूंगी अच्छे से, और उसके बाद से मैं इसे इस थोड़े देर छोड़ दूंगी 2-3 मिनट। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ढक्कन हटाती हूँ और मैं इसे एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूंगी। स्ट्रेन करके मैंने ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दिया। तो और उसके साथ हम लोग इसका पेस्ट बनाएंगे, जिसमें मैं कोरिएंडर लीव्स और 2 ग्रीन चिली डालूंगी। तो इन सबको मैंने एक साथ ग्राइंड कर दिया, मटर, पालक, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च को। तो ये रहा इसका पेस्ट। उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी ये बॉयल्ड और मैश्ड पोटैटो, जो कि है 3/4 कप। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा धनिया का पाउडर। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स, जिससे ये क्रिस्पी और थोड़ा सा इसका बाइंडिंग भी अच्छा हो जाएगा, ये है आपको 1/2 कप। और ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। उसके बाद ये थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर है 1/2 टीस्पून, और नमक है स्वाद के अनुसार। इन सबको डाल के उसके बाद हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हाथों से। तो ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका कबाब। तो ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैं इसमें हाथ में ले लूंगी, और गोल शेप देते हुए, आप जिस भी शेप का चाहे, गोल, लंबा, कैसा भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे मिलाएंगे, और देखिए कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो गई है। तो ब्रेड क्रम्स डालने से थोड़ा सा अंदर से क्रिस्पी भी हो जाएगा और बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी इसकी। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग कबाब बना लेंगे, और एक एक करके मैं इसी तरीके से बनाकर सारा रखती जाऊंगी। उसके बाद हम लोग इसे सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप इसे एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। तो ये देखिए इस तरीके से, बाकी के सारे कबाब मैं ऐसे ही बना लूंगी। तो ये सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे सेलो फ्राई करते हैं। तो मैंने ये पैन चढ़ा लिया, आप तवा पे भी कर सकते हैं। इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, और ऑयल को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी चारों तरफ, और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, ना हाई ना लो। और एक एक करके सारे कबाब्स को मैं इसमें डाल दूंगी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप चाहे तो अपने बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं, अगर इसमें मिर्च ना डाले तो। तो इस तरीके से मैं इसे डाल दूंगी, और 2 से 3 मिनट ऐसे छोड़ने के बाद मैं इसे पलट लूंगी। तो ये देखिए एक अच्छा सा लेयर आ गया है इस पे। तो टोटल इसे हम लोग 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से सेक लेंगे दोनों तरफ से, तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, इस तरीके का लेयर आ जाए, तो ये सिक जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ये सिक गया है। तो ये देखिए एक मैं आपको लेके दिखाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये हो चुका है। तो अब हम लोग इसे सर्व कर देते हैं। तो ये मैंने सर्व कर दिया है केचप के साथ, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिल्कुल बिना केचप, बिना चटनी के, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। तो ये मैंने थोड़े से केचप के साथ इसे सर्व कर दिया, इसके ऊपर थोड़े से नींबू के स्लाइसेस मैं रख दी हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू, और अगर आप चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डालकर खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और ये बहुत देर तक आपको मतलब भूख नहीं लगने देता है। तो आप चाहे तो इसे, अगर जो लाइट डिनर करता है वो ये खा सकता है रात को। तो ये देखिए अंदर से मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा सॉफ्ट है अंदर से, और ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों। वीडियो कहीं पे पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे जरूर फॉलो करिएगा, इसे जरूर बनाइएगा, बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।